गीता के षष्ठम अध्याय में ध्यान योग की बात कही गई है, जिसमें श्री कृष्ण आत्म संयम योग की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु संपूर्ण शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी कहलाता है। श्री भगवान यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विधि पांडवः न संन्यस्तः संकल्पो योगी भवति कश्चन। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारण मुच्यते योगारुणश्चतश्चैव शम कारण मुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोज्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मेवात्मनो पुरात्मनः। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योगी सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बुद्धिजीवी का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। प्रशान्तश्च परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो जितेन्द्रियः
चाश्म कांचनः शुहिन् मित्रायुदासीना मध्यस्थ द्वेष बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु सम्बुद्धिर्विशिष्यते मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है और अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को चाहे वो कंकड़ हो पत्थर हो या कि सोना एक समान देखता है। जब मनुष्य निष्कपट हितेशियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है।